आज हम पहला स्कंद भागवतम से अठारहवा अध्याय में से दूसरा नंबर जो श्लोक है उसका हम आज श्रवण कीर्तन करेंगे। थैंक यू। ब्रह्मा कोपादि काव्यस्तु हो तक्षक प्राण विप्लवा भगवती अर्पिताशया। ट्रांसलेशन। फर्दरमोर महाराज परीक्षित वॉज ऑलवेज कॉन्शियसली सरेंडर्ड टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड and therefore he was neither afraid nor overwhelmed by fear due to a snake bird which was to bite him because of the fury of a brahmana boy covered by his divine grace kisi bhakti ranga swami shiva prabhupada a self-surrendered devotee of the lord is called Narayana Parayana. Such a person is never afraid of any place or person, not even of death. For him, nothing is as important as the Supreme Lord, and thus he gives equal importance to heaven and hell. He knows well that both heaven and hell are creations of the Lord, and similarly life and death are different conditions of existence created by the Lord. But in all conditions and in all circumstances, remembrance of Narayana is essential. The Narayana Parayana practices this constantly. Maharaj Parikshit was such a pure devotee. He was wrongfully cursed by an inexperienced son of a brahmana who was under the influence of Kali, and Maharaj Parikshit took this to be sent by Narayana. He knew that Narayana, Lord Krishna, had saved him when he was burned in the womb of his mother. And if he were to be killed by a snake bite, it would also take place by the will of the Lord. The devotee never goes against the will of the Lord. Anything sent by God is a blessing for the devotee. Therefore, Maharaj Parikshit was neither afraid of nor bewildered by such things. That is a sign of a pure devotee of the Lord. और एक श्लोक पर किसका तात्पर्य पढ़ते उत्सृज्या सर्वता संगम विज्ञानाजित संस्कृता वया सके जगु शिष्यो गंगायन स्वं कलेवरं। Furthermore, after leaving all his associates, the king surrendered himself as a disciple to the son of Vyasa, Sukadev Goswami. And thus he was able to understand the actual position of the personality of Godhead. Om Jnanati Gandhasya Jnanandana Shakaya Chakshurunmilitam Yena तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामय्यं ददाति स्वपदान्तिरं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीलतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सगणारघुनाथं सजीवं साद्वैतं सा
पादूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण माधव सहगना ललिता श्री श्याम निवास हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना
जब भी राजाओं के मतलब उस समय के राजाओं के गुण के उसमें गिनती में महाराज परीक्षित आ जाते हैं, तो उनके सद्गुण के बारे में कितना भी हम बोलते जाएंगे बहुत कम है। तो इसी तरह इस अध्याय में हम इस कथा को आगे बढ़ाते और एक अध्याय में जब निकलता है महाराज परीक्षित के जो गुण हैं, क्योंकि यहां तक तो हमने जो चर्चा किया है वो एक लीडर का क्वालिटी था, वो एक ओके जैसे लीडरशिप सेमिनार बनता है, अभी आप देखे होंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक बताए हाउ टू बिकम अ लीडर, लीडर लीडरशिप क्वालिटी आपके जीवन में आ रहा है, तो बहुत सारे सर ऑर्गेनाइजेशन रहता है, बहुत सारे संस्था रहते हैं जो पता नहीं सेमिनार रखते लीडरशिप लीडर के मतलब ये होना चाहिए ये वैसा होना चाहिए। तो अब तक जो हम पढ़े थे महाराज परीक्षित एक राजा के उनके पास सदगुण सब कुछ था, पर अभी जो हम पढ़ने वाले हैं अभी जो श्रवण कीर्तन करने वाले हैं उसमें महाराज परीक्षित का शुद्ध भक्त का क्या गुण होना चाहिए ये बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। बिकॉज भागवतम ये अमर पुराण है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को हटा के इट गिव्स ओनली प्योर डिवोशन द राइपन्ड फ्रूट। जैसे प्रॉपर बता रहे ये संस्था ने एक ही उद्देश्य बांधा हो इस्कॉन, ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस ये मैंने शुरुआत किया, इसका उद्देश्य क्या है, ये इसलिए उद्देश्य मैंने ये इसके लिए नहीं बांधा है कि लोग चलो आपकी आर्थिक स्थिति में कोई प्रॉब्लम है यहाँ आ जाइए आपका आर्थिक स्थिति सब भरा होगा, आपके पता नहीं कि रोजी रोटी में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सब कुछ भरा है, आपके जो पता नहीं पढ़ाई लिखाई या कोई स्थिति में कुछ भी फैमिली रिलेशन में यहाँ पे सब, ये दुकान मैंने इसलिए नहीं खोला है, बहुत मोटिव ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का संघ का उद्देश्य का एक ही उद्देश्य है निर्माण का एक ही उद्देश्य है और एक ही उद्देश्य रहेगा और एक ही उद्देश्य पालन करना चाहिए हाउ टू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट। अगर हमारा उद्देश्य ये नहीं है, अगर हमारा उद्देश्य या शांति प्राप्त करने के लिए देन वी आर मिसडायरेक्टेड, यहाँ आने में बहुत शांति होते दैट इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट, बस ये एक तात्कालिक बाई प्रोडक्ट है। हाँ इधर आते क्यों आप मंगलवार खा रहे हो बहुत शांति होगा शांति वो तो इट्स ओके बराबर है बट इज दैट अ गोल, वो गोल नहीं है वो तो किधर भी अगर आप डीप मेडिटेशन शांति अगर कल यहाँ अशांति हो जाए तो आप यहाँ छोड़ के जाएंगे, होल पर्पस अंतरंश इसलिए प्रॉब्लम बता रहे पहले जो भक्त लोग जो पालन कर रहे उनको समझना चाहिए मैं इतने दूर से आया हूं टू मेक वन योरसेल्फ एज अ प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त कैसा बनना चाहिए वो मेरा उद्देश्य है, ये जीवात्मा का स्वाभाविक गुण कैसे प्राप्त होना चाहिए इसके लिए मैंने स्थापना किया है। तो यहां पे प्रॉब्लम ये अभी के जो अध्याय है जो हम चर्चा करेंगे उसमें परीक्षित महाराज के जो गुण है एक शुद्ध भक्त का गुण क्या होना चाहिए एंड हाउ टू बिकम फियरलेस। दयाचंद्र बहु जी जो हमारे पिताजी है जब वो कृष्ण भक्ति में आए थे ये 1990 में जब वो अपने परम पूज्य राधानाथ महाराज के पास पहली बार प्रोग्राम हुआ था तो वो खुद ही उनके अनुभव बताए थे, उस टाइम वो बहुत सारा ये फॉलो कर रहे थे ये चिंटू कृष्णमूर्ति का प्रिंसिपल्स या वर्ना हेराल्ड का प्रिंसिपल्स और बहुत सारा अलग अलग सब, पर उनको एक हमेशा ये पता नहीं छुपता था ये थॉट कि जो भी करता मुझे ये जो डर हमेशा रहता है डर डर फियर बहुत डर रहता है बहुत सारे फियर रहता है, जैसे बच्चे लोग को परीक्षा का डर रहता है और एक गृहस्थ को पता नहीं कि कल बिजनेस चले या उनके कल उनके निकाह दे उसका डर रहता है और कभी कभी वृद्धि जैसे कि रोग का डर रहता है कल मर गया तो या डिसीज आ जाए
सो अलग अलग प्रकार का डर रहता है. तो उन्होंने जब पहली बार गुरु महाराज से मिले तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, हाउ टू बिकम फियरलेस. हाउ टू, ये डर कैसे निकलना चाहिए. सबको बस है यहां, सबको पूछा था डू यू हैव अ डिजायर, आपको है ना, प्रभु ये डर कैसे निकलना चाहिए. मृत्यु का डर, इसका रोग का डर, कभी फैमिली से जुड़ा अलग होने का डर, ये सब, ये डर जो है वो कैसा नहीं, मुझे किसी स्थिति में मतलब मैं विचलित नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई सोल्यूशन है. सब चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते पर सबको इच्छा है, और इसका सोल्यूशन है. और उसका सोल्यूशन तभी महाराज जो उनको बोला, When a person takes complete shelter, जो व्यक्ति कंप्लीट भगवान के शरणागति में जाता है, भगवान श्री कृष्ण, who is the lord of the fear of the fear personified, जो डर के भी स्वामी है, तभी ये सब जो भय है हमारे हृदय में वो चले जाएगा. That is the solution. तो तभी यहाँ पे ये सोल्यूशन, यहाँ पे ये देखिए, ये पर्पट और तात्पर्य मैंने एक छोटा सा एक आपकी ध्यान पूर्वक सुनिए. प्रॉपर नहीं ये तात्पर्य, यहाँ एक क्लियर है, एक एग्जाम्पल भी है. महाराज परीक्षित वॉज ऑलवेज कॉन्शियसली सरेंडर टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड देयरफॉर ही वॉज नीदर अफ्रेड नॉर ओवरवेल्म्ड बाय फियर ड्यू टू अ स्नेक बर्ड व्हिच वॉज टू बाइट हिम बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ अ ब्राह्मण बॉय. यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, कॉन्शियसली सरेंडर. इसका मतलब क्या है, कॉन्शियसली सरेंडर. अरे सब लोग कर रहे हैं, करना चाहिए. आर यू कॉन्शियस आप क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है. वो हमारी संस्कृति है ना, हमारे पूर्वज लोग जाते थे ना इसके माने, नो व्हाई आर यू डूइंग इट. कॉन्शियसली सरेंडर, आप जो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, इसका पर्पस क्या है, इसमें मेरा उद्देश्य क्या है, और उसमें मुझे क्या मिलने वाला है. मैं जो ये जाप कर रहा हूं, ये जो शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूं, am I consciously doing it या is it a ritual? ये एक ritual के जैसे करना चाहिए, करना चाहिए, करना, is it a ritual? हाँ, रोज सुबह consciously. इसलिए बोलते ना, सिर्फ हम बाकी को बोलते ऐसे ही करते मत जाओ, एक पागल जैसे कुत्ता या गधे के जैसे मत करो, कुछ करे तो उसका सोच समझ के करो. इसलिए प्रॉपर बोलते फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन एंड रिलीजन विदाउट फिलॉसफी सेंटिमेंटलिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी हम सोचते हैं मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मंदिर में जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दैट इज नॉट, वो ज्यादा समय तक नहीं जाएगा. सेंटिमेंटलिज्म, ओ मुझे अच्छा लगता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्यों कर रहे हैं, ये वैदिक धर्म है अथवा तो ब्रह्मा जी क्या सही, ये शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए, ये जब करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है. हम बाकी जो कार्य है इतना कॉन्शियसली करते हैं. एक गृहिणी, एक हाउस वाइफ जब वो खाना पकाती है वो ऐसे ही बनाती है, उसको सोच समझ के उसका प्रिपरेशन करते हैं, उतना ध्यान लगाती है, उतना उसको पता है कि जो मैंने खाना बनाया इतने लोग खाएंगे, मेरे उसका पूरा प्रज्ञा उसमें डालती है. और अगर वो वैष्णवी है तो वो सोचे कि भगवान भी जो स्वीकार करने वाला है. सो शी वेरी कॉन्शियसली शी इज पुटिंग एफर्ट. इसलिए जब हम जो करते हैं यू शुड बी वेरी कॉन्शियस, हम क्यों कर रहे हैं. ये भागवत के जो अध्ययन ये इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए प्रॉपर हमेशा बता दें, एक डिवोटी वो एक भक्त रहता है, वो हर मोमेंट को बहुत सीरियसली लेता है. ही इज नॉट कैरोस. कैरोस मतलब पता नहीं, ओ ठीक है चलता है चलता है, दैट इज वेरी रॉन्ग. चलता है चलता है, भगवान कह रहा है अरे चलता है, सोलह माला कर रहा है चलता है, वो सुबह भी क्या शक्त हो. ही इज वेरी कॉन्शियस. ये ब्रह्म मुहूर्त क्यों दिया है, इज वेरी कॉन्शियस. आई शुड डू द बेस्ट. जो भी कृष्ण को देना आई शुड डू द बेस्ट. जो भी हम करते हैं बाकी नहीं कहे, हम बहुत प्रयास करते, जो भी काम खराब करते हो तो भक्ति में क्यों नहीं डालते हम लोग. अब जो भी अर्पण भगवान, इसलिए जैसे भगवदगीता में पत्र पुष्प पदन दो योगे भक्त प्रयच्छति तदर्थम अष्टादि प्रयतात्मना. भगवान बोलते जो मुझे पत्र फूल पुष्प या जल अर्पण करता है
पर उसने एक एस्ट्रिक मार्क कर दी प्रेम से विद डिवोशन. That is important. भगवान को फूल फल का कमी नहीं है. प्रभु बोलते हैं उनको कुछ कर तुम्हारे गुलाब जामुन का कोई जरूरत नहीं है. He is अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ये सहस्र लक्ष्मी उनकी सेवा कर रहे तो उनको क्या देते. Very particular with devotion. जो भक्ति भी मन ऑफर्स कृष्णा दिस इज योर्स पत्रम पुष्पम पदम तोयम योगे भक्त प्रयचरी. भगवान उसमें से वो भक्ति को लेते. उसी तरह भगवान भी आपके शरणागति में हर यू कॉन्शियस होने के लिए. इसलिए आज ही सुबह में परम पूज्य राधानाथ महाराज के लिए एक लेक्चर सुन रहा था तो उसमें बताते हैं वो ओके मैं कर रहा हूँ मैं जो रोज जाप कर रहा हूँ बराबर मैं रोज जाप कर रहा हूँ मैं भगवान शरण में कर रहा हूँ बराबर सब लोग देख रहे मैं नींद नहीं कर रहा हूँ इसे. दैट इज मैकेनिकल. जब व्हेन यू आर डूइंग इट विद अ सरेंडर मोड जब आप शरणागति के मोड में करते हो एक शरणागति तभी आप उसको सीरियसली लेंगे. जैसे एक उदाहरण देता हूं जब गजेंद्र या द्रौपदी उन्होंने हाथ उठाकर भगवान गोविंद का नाम बुलाए तो उन लोग इसके लिए नहीं बुलाए कि मेरा राउंड्स बाकी है. द्रौपदी ने ओके गोविंद गोविंद मेरा जाप बाकी है जाप. She took शरणागति of the holy name. वो हरि नाम का शरणागति ले हर नाम का शरणागति लेना चाहिए. Then that means you are consciously surrendering to the Lord. हर मोमेंट जब मिलता है उसको आप कितना कृतज्ञ तो हो आप कितना कृतज्ञ कृष्णा यू गेव मी वन मोर डे वन मोर मोमेंट मुझे और एक दिन दिया आपने मैं इसका योग्य भी नहीं हूं आप मुझे और एक समय दिए थे ये समय को मैं किसी हालत से इसको खराब नहीं कर अदर देन टू सर्व यू माय लॉर्ड. सो ही इज कॉन्शियस वेरी कॉन्शियस. इसलिए प्रॉपर बोले वैष्णव ही नेवर वेस्ट अ सिंगल मोमेंट. इसको उसको वैल्यू है ना उसको पता है ना कुछ शास्त्र में नहीं है वो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है कि प्रैक्टिकली उसके जीवन में डालता है वो. एवरी मोमेंट इज वेरी कॉन्शियस इट शुड नॉट ऑल वेस्ट. कहा मुझे भगवान को याद करने का अवसर है जहां मिला हो इस कौन से थी कृष्णा दिस वन होली नेम बहुत इंपॉर्टेंट और जाके उठ के भगवान यार जहां मिलता है यू वांट टू हियर स्पीक 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 भगवान के नाम से बताओ अचिंता मतदा मान बोधयंत पासवर कदयंत क्षमा नित्य तुष्यंति जलमति च यही उसका सबसे बड़ा आनंद रहता है. इज हैप्पीएस्ट मैन क्योंकि उसको यही आनंद है उसको दौलत भी आपको है पता नो इट्स ओके दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट स्पीक. और ये आता है ये श्लोक आ जाता है ये उन्होंने सुतक गोस्वामी उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया. अभी सौनक ऋषि बोलते हैं कि सुतक गोस्वामी मुझे आप इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो आप बोलते जाओ यहाँ पे कोई कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है जितना भागवत कथा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है ये हमारी नीत मतलब ये रीति है ये वैदिक धर्म है. इसलिए आप भगवान कृष्ण के बारे में जो बोल रहे हो आपके भक्त के बारे में जरा भी कॉम्प्रोमाइज कर दो मत करो आप बोलते जाओ. ये क्वालिटी है एक डिवोटेड. इसे परीक्षित महाराज ने ऑलरेडी वॉज ट्रेन्ड उन्होंने अभ्यास योग युक्ति उन्होंने अपना जीवन को इतना ट्रेन किया था हर मोमेंट ही वॉज वेरी ट्रेन. तो तभी सुधर ये लोग सौनक ऋषि पूछते बताइए सुखदेव गोस्वामी सुधर गोस्वामी क्या हुआ वो क्या कथा है जिसके वजह से आज आप हमें ये भागवत कथा बता रहे हो. भागवत कथा आज हमें बता रहे हो परीक्षित महाराज को क्या क्या ऐसा जिंदगी काटना पड़ा कि आज उनके जीवन में ये भागवत कथा सुननी पड़ी. तो तभी वो पता नहीं लगते. वन डे एक दिन ऐसे हुआ था कि यही परीक्षित महाराज जब वन में जा रहे थे जैसे राजा का कार्य रहता है कि टू सी द एवरीथिंग इज फाइन तो जब वो वन में जाके शिकार में जा रहे थे तो उस समय उनकी स्थिति ऐसे हो कि उनको प्यास बहुत लगने लगा पता नहीं कि गला सूखने लगा एकदम ड्राई एकदम फास्ट ड्राई. और तभी इतना पता ही नहीं उनको क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है प्रॉपर पता है कि उनको अभी देखिए एकादशी निर्जल एकादशी हमें पता है क्या होता है बोलते हम कैसे भी हम तो कैसे भी कुछ जैसे व्यक्ति तो एकदम बद्ध जीवन कैसे प्रयास करके पर जो शुद्ध भक्त है परम हम समाप्त है दे आर एलूफ
ये इससे कुछ उनको कुछ फर्क ही नहीं है। और पता है कि वो नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध जीवन मुक्त भक्त लोग हैं, जीवन मुक्त, दे आर देयर बट दे आर नॉट देयर। पर ये ऐसा स्थिति हुआ था कि एक दिन अकस्मात उनको इतना उनको प्यास लगने लगा कि वो पता नहीं कि कोई पता ही नहीं चल रहा था, वेरी इरिटेबल थर्स्ट, कंट्रोल ही नहीं कर रहा था प्यास। उसको पता ही है कि जब व्यक्ति को प्यास लगता है तो उसको अगर आप लाके दूध देने के लिए पानी दिया, पानी पानी इज इम्पोर्टेंट, इसलिए कृष्णा बोले रसो हम सुखम है प्रवास भी सबसे शूर्य है, क्योंकि जो तेज जो पानी में है वो भगवान, जो स्ट्रेंथ है वो कृष्णा है। ठीक है, हम लोग कभी सोच दिस इज कॉन्शियसली सरेंडर टू कृष्णा, कभी हम लोग नोटा निकाल के अगर वो भी सोचे यस ये जो प्यास बुझाने की शक्ति है वो कृष्णा है। जो बोलते ना नास्तिक बोलते कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, भगवान भगवान बोलते कहाँ दिखता है क्या कोई, आजकल तो बाकी अकेडमिक्स में इजीली पता है तुम्हारा भगवान भगत दिखता भी नहीं है, बोलते ये मूर्खतना है। कृष्णा वेयर इज नॉट देयर, ये जो हवा बह रही है कृष्णा से आई देयर, ये जो प्यास बुझाने की शक्ति है किसी के पास नहीं, जो पानी में है वो मैं हूं, दैट इज माय स्ट्रेंथ। तो देखिए उतना पावर है, तो उस परीक्षित मानो इतना प्यास हो रहा कुछ तो लाओ, जो ढूंढते ढूंढते तभी वो एक आश्रम में पहुंचते, वो समीकर ऋषि का आश्रम था। अभी समीकर ऋषि मुनि ये बड़े बड़े योगी थे, वेरी ग्रेट डिवोटी, पर बता देना एब्जॉर्प्शन, जब वो ध्यान, जैसे ये संत महापुरुष जब ध्यान लगाते ना तो आगे पीछे कुछ भी उनको पता ही नहीं चलता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब, फुली एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्प्शन इसको बोलते समाधि। अगर आगे पीछे आपका फटाखड़ी भी फैल हो उठ गया तो ये नहीं, अरे अनडिस्टर्ब, दैट शुड बी आर चैंटिंग। इतना भगवान की इतना तीव्रता, इतना हरिनाम, इतना एब्जॉर्प्शन समाधि, हमारे मध्य संप्रदाय में ये हमेशा मैं बोलता हूँ, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। हमारे मध्य संप्रदाय में अष्ट मठों में एक मठ है, उसका नाम है अलीमान मठ। आज भी उड़पी के जो मठवासी लोग हैं, सन्यासी लोग और वहां के ग्रामीण बोलते हैं, अगर आप लोगों को समाधि सीखना है ना, एब्जॉर्प्शन, तो आप विश्वोत्तम तीर्थ विद्या मान्य तीर्थ बोलिए, पलिमान मठ के बड़े आजकल वो अभी नहीं है तीर्थ, वो उन्होंने शरीर ध्यान दिया, पर समाधि चाहिए अगर जो भी करते इतना एब्जॉर्प्शन सीखना तो विद्या मान्य तीर्थ से सीखना चाहिए। तो मैं पूछा कैसे, बोले जब वो शास्त्र का अध्ययन करते थे, शास्त्र का अध्ययन करते थे इतना इन्वॉल्व, तो उनको पता नहीं चलता था कि चार पांच घंटा रह गया, चली गया चार पांच फाइव सिक्स आवर्स, सो मच एब्जॉर्ब रीडिंग रीडिंग इतना, और लोग आके उनको स्वामी, और एक बार बोलते थे दो तीन बार स्वामी क्या हुआ, आपने प्रसाद का सेवन नहीं किया, क्यों कितना हुआ, एक बज गया, अरे मतलब सो मच एब्जॉर्ब, बोलते इतना एब्जॉर्प्शन जो अगर हमारे जाप में हुआ तो सोचिए चाहिए भगवान आचार्य, दैट इज व्हाट इज आवर गोल, कि इतना एब्जॉर्प्शन हम लोग सोचते हम लोग इतना तो यार एक ही घंटा हो गया, कब से बैठा हूं जाप करने आते एक ही घंटा, मैं सोचा आता तो दो घंटा हुआ, बिकॉज वी डू नॉट हैव द टेस्ट, और रुचि नहीं है। पर जो व्यक्ति एकदम डीपली एब्जॉर्ब, यू शुड प्रे कृष्णा मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मेरे को उतना एब्जॉर्प्शन चाहिए, ये दुनिया में बाकी क्या चीज है, ऑल द एवरीथिंग इज लाइक व्हेन आई एम चैंटिंग लेट मी बी सो मच सॉ वो पर पूरा प्रभाव बोलते हैं दिस इज व्हाट वी आर चैंटिंग इज। तो ये समीकर ऋषि इतना एब्जॉर्ब थे, जब परीक्षित महाराज खड़े थे उनको पता भी नहीं चला, और परीक्षित महाराज जोर से बोल रहे थे समीकर ऋषि जी जरा मुझे पानी दीजिए, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे बहुत प्यास लग रहा है, समी ऋषि प्लीज सुनिए आप क्या, तो वो ये अपने ध्यान से उन्होंने हिलाया भी होगा पर उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो तभी देखिए ये इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। इसमें आप सोचते हैं कि आप शुद्ध भक्त हो कि व्हाट इज दिस डिस्टर्बेंस, कभी कभी हम लोग धोती पहन के
जब जाते हैं कभी कभी रास्ते में झगड़ा, कभी मत लोग भी जाते, आप लोग इतना डिस्टर्ब होना, तिलक डाले और दो तीन आते, ये स्वाभाविक है, उनका बोलना भी बराबर है, क्योंकि हमारी यार पता नहीं कि भारत की रीति है, साधु संतों की जो वेशभूषा से जाना जाता है, उनकी कर्तव्य से पता चलता है कि वो एकदम साधु वेश रहता है, उनका संतों गुण रहता है, और उन लोग ऐसे लौकिक दुनिया में ज्यादा जाते नहीं है, तो वो जब करते हैं तो बाकी लोग एकदम भयभीत हो जा रहे हैं, विचलित हो जाते हैं, हाउ कम, आप लोग कैसे, तो उसी तरह ये पॉइंट इज अ टर्निंग पॉइंट, देखिए ये टर्निंग पॉइंट है। अब परीक्षित महाराज, जो व्यक्ति को आज इतना गुणगान किए है, वो व्यक्ति को क्यों उन्होंने अपना प्यास को कंट्रोल नहीं कर पाए, व्हाई कुडंट ही कंट्रोल द थर्स्ट, सिर्फ प्यास नहीं, उनका जो गुस्सा है, एंगर, इट वेंट बियॉन्ड द लिमिट, मतलब उनके क्रोध बहुत कुछ ज्यादा ही हो गया, नाटक कर रहे हैं ये समीकर ऋषि, क्या नाटक कर रहा है, इसको इतना भी पता नहीं है कि राजा, राजा मतलब एक व्यक्ति जो ये बड़ा पता नहीं कि एक ऑलमोस्ट लाइक गॉड, ये व्यक्ति को उतना पता नहीं, इसके गुस्से में उन्होंने एक बाजू में मरा मरा हुआ सांप पड़ा था, वो उन्होंने अपने बाण से लेकर, देखा हाथ से भी नहीं, इट वाज इंसल्ट, उन्होंने अपने बाण से लेकर सीधा समीकर ऋषि के गले में डाल देते। अभी आप ये देख के तो कोई विचलित हो गया यार, कौन सा भक्त है यार, एक छोटा सा पानी नहीं मिला, एक सांप को मरा हुआ सांप को गले में डाल दिया और वहां से चले जाते। अभी देखिए कोई व्यक्ति अगर ये कहानी को विदाउट अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे, विदाउट आचार्य के भाषा में, तो हम लोग परीक्षित महाराज को एकदम पता नहीं, नॉट अ फिट कैलिबर, नो, इसलिए आचार्य बोले दिस वॉज अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड। अगर प्रॉपरली क्लियरली तात्पर्य बोले, अगर अर्जुन को वो स्थिति में विचलित में भगवान नहीं डालते थे तो क्या वो भगवदगीता आज आता था, जैसे कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आके बजा दिया शंख और मारने लगा, आज वो भगवदगीता ही नहीं रहता था, भाई अर्जुन वो स्पुट क्यों अर्जुन को वो स्थिति में डाला, फॉर अस, भगवान को पता था कि आने वाले पीढ़ी को, अर्जुन को छोड़ो, आने वाले पीढ़ी को कौन उद्धार करेगा, यही तो करना पड़ेगा, और किसके साथ कर सकता हूं, कोई कोई नास्तिक के साथ है, मेरे शुद्ध भक्त के साथ ही नहीं लीला कर सकता ना, पुटी मिंद योग माया शक्ति, और वही अर्जुन नर नारायण नर, वो खुदी जो हमेशा व्हाट इज दिस, कृष्ण में क्यों इनको मारना चाहता हो, लॉर्ड हेल्प, कुटे मिले योग हमारे शक्ति, भगवान चाहते थे, ये हमारे जीवन में नहीं है, ये शुद्ध भक्त के जीवन में, नहीं तो हम लोग सोचेंगे हमारे जीवन में भक्ति नहीं कर रहा, ये भगवान चाहते कि मैं भक्ति नहीं करूं, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर गॉड, दिस इज ओनली हैपी, इसलिए ये बताते वैष्णवाना वैष्णव क्रिया मुद्रा विघ्न न बुझाए, वैष्णव का क्रिया और मुद्रा को बाहरी रूप से जज मत करो, इसलिए अभी सुधराचारो भगवत कृष्ण गिव्स सो मेनी इंस्ट्रक्शंस, हम लोग सोचते अरे उसने भी तो किया, भगवान शिव जी, शिव जी ने तो भी ये पिया विष तो पिया, फिर बाकी गरुड़ जी भी तो मछली खाते हैं, इसलिए भगवान बताते हैं वैष्णव यह क्रिया होता विघ्न न बुझाए, और भगवदगीता में अभी सुधराचारो Even if a devotee commits any mistake, it is considered saintly. उसको कभी आप ये दृष्टि से समझो मत। उसी तरह परीक्षित महाराज की ये जो एक्ट है, ये जो बताते कि ये जो कार्य है, दिखने में एकदम तुच्छ था, एक पानी के लिए ठीक है, दूसरे घाट में जा सकते थे ना, बट दिस वॉज मेड बाई द लॉर्ड, किसके लिए किए थे, ये शास्त्र के लिए, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, आज अगर परीक्षित महाराज को सांप नहीं डालते थे तो ये आज श्रीमद् भागवत नहीं होता था, और आज ये श्रीमद् भागवत नहीं होता था तो हम ये चर्चा नहीं करते थे, और अगर हम ये चर्चा नहीं करते थे आज ये मंगलवार कार्यक्रम नहीं होता था, और मंगलवार इसको नहीं रहता, देयर आर सो मेनी कनेक्शंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
आज भी भक्ति मिल रहा है, कितने लोगों का योगदान है इसमें और भगवान की अरेंजमेंट है, ये आज की हमारे प्रयास से नहीं है। मतलब कि युगों युग युगों से ये जो निकला हुआ है ये कार्य है फ्रॉम सो मेनी जनरेशंस। आज हमें ये श्रीमद् भागवत मिल रहा है, ये युग युगान से वहां से निकला हुआ शास्त्र है और इसमें कितने लोग का प्रयास है। साधारण व्यक्ति यही सोचेगा ना उसमें, दैट्स व्हाई आई थिंक यू शुड नेवर जज अ डिवोटी। पर यही गलती हुआ, परीक्षित महाराज तो डर के चले गए, समीकर ऋषि एकदम बिजी थे एकदम, तभी बोलते ना बच्चे लोग रहते ना, बच्चे लोग बोलते ना वो एक उनका स्वाभाविक गुण है। अरे समीकर ऋषि के गले में जाके बोलते ना, जाके छुपे जाके बोले उनके बेटे को श्रृंगी, अरे तुम्हारे पिताजी के गले में मारा वो सांप डाला है, कोई राजा आया था वो श्री को, हाँ मेरे पिताजी के गले में कोई मारा हुआ सांप डाला है। तो और उसकी जो पता नहीं दिव्य शक्ति से उसको पता, ये ब्रह्म शक्ति से उसको पता चला, बिकॉज महाराज परीक्षित। तो वो अपना ब्रह्मचार्य के पावर से उसने फाइंड आउट किया कौन है उसने मेरे गले में मारा, मतलब मेरे पिताजी के गले में कौन डाला, और वो अपना पावर बाकी लोगों को दिखाना चाहता था, देखो अभी दिखाता हूँ इसको। ये बोलते ना एनीमन जिसके पास कोई ऑपुलेंस रहता है ना वो दिखाना चाहता है, देख मेरा पास क्या पावर है, अगर वो आप नया गाड़ी लेके या नया डिनर हम दिखा रहे, देख अभी मेरा इसमें क्या क्या जादू है। He wanted to show off. तो अब क्लियरली बता दे, that small child, he wanted to show off. दिखाना चाहता था मेरे पास क्या ब्रह्म शक्ति है। और वो तुरंत बोलते जो व्यक्ति ने ये अपराध किया है, आज के दिन में सातवां दिन एक तक्षक नाम का जो सांप जैसे पक्षी आकर दस के मार डालेगा इसको, ये मेरा शाप है बोले। और उतना बोल के वो बालक तुरंत आश्रम में चले जाता है और जाके समीकर ऋषि के गले से निकाल देते और रोने लगता है। तो समीकर ऋषि वो निकालता नहीं है बस रोने लगता है पिताजी के सामने। तो समीकर ऋषि को परीक्षित महाराज के इसमें उतना डिस्टर्ब नहीं थे, पर ये जो नन्ना बालक नाधान बालक को देखे हुए ये कौन है मेरे ध्यान को डिस्टर्ब कर रहा है, बोल देता क्या हुआ और खुद के गले में देते मराओ साहब उठा के, he just throws it। कोई तो होगा doesn't, उसको उतना महत्व भी नहीं देते, ओके इट्स नॉट अ बिग थिंग, आप बोल क्या बात थी। तो वो एकदम आश्चर्य, पिताजी आप वो कुछ विचलित थे मैं आपके गले में, होगा उसमें बड़ी बात है, बोल अब क्या बात है। और रोने लगे, बोला जिस व्यक्ति ने गले के ऊपर ये डाला है उसको मैंने शाप दिया वो सात दिन में मारना चाहिए ना, क्या आई वन बोलते ना आई वन मैन। कोई अगर कोई बच्चे को अगर आप गाड़ी का शादी दी है ना, कोई अच्छा बेटा वो सिर्फ गाड़ी ना के पिताजी मैंने गाड़ी ना के उनके गराज में ठोक दिए, क्या तो पागल तो नहीं है, पहले बात तो चाबी टच क्यों किया तुमने, वही पूछते ना क्योंकि देखो उतना अक्कल नहीं है। तो उसी तरह सभी का ऋषि पूछा क्या 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 तुमने शाप दिया और मरने के लिए, एक छोटा सा इशू थे, सी दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा एक मराव साहब है तो उसे कोई भी व्यक्ति हो उसने बड़ा अपराध थोड़ी किया है, ठीक है खुश हो गए एंड देन वो जाके समाधि में जाते हैं, देखिए वो पावर है वो जाके समाधि में, देन ही कम्स टू नो बस महाराज परीक्षित। तभी समीकर ऋषि इनफैक्ट सेस फूल तू पागल है, आज तूने ये जो किया ये शक्ति आज ब्राह्मण कुल का नाश आज से शुरुआत हुआ है, यू आर अ रास्कल। प्रॉपर क्लियरली पता नहीं, यू आर अ रास्कल, जितना गाली देते तो तू मेरा बेटा ही नहीं है, तू किसको गाली दिया है, तू क्या ये शाप को अपना बोलते ना, एक पता नहीं एक बंदर के हाथ में अगर धलवा दिया तो क्या होगा। मेरे गलती क्या क्या तुझे ये ज्ञान देखी, फूल नंबर वन तुमने किसको शाप दिया सोचना तो चाहिए, मुझे आगे पूछना तो चाहिए, तेरे पास पावर है तो तूने ऐसा मिसयूज किया। वहां पे आचार्य लोग खाली वहां से शुरू हो जाता है ब्राह्मण कुल की जो नाश है, जो बोलते ना मैं ब्राह्मण हूं मैं मतलब चतुर्वेदी हूं मैं पंचवेदी हूं मैं ही हूं, कली कली स्टार्ट्स।
जन्म से ब्राह्मण होता ही नहीं है, गुण से ब्राह्मण होता है, वहां शुरुआत होता है। क्योंकि जो ब्राह्मण की जो शक्ति का मिसयूज किए ना, वहां कली एंट्री मार दिया। तब तक वहां पे एंट्री नहीं था, देयर वाज नो एंट्रेंस, सिर्फ वो चार जगह पे था जहां परीक्षित में यूज किए थे, पर ये लड़के ने उसको दरवाजा खोल दिया, आ जाओ क्योंकि मेरे पास पावर है ना, मैं दिखाना चाहता हूं कितना। और उसने वो पावर को उठा के, जैसे देखिए मैं सिंपल एग्जाम्पल, पावर हमेशा होते हैं। जापान ने वो एक मिस्टेक किया, जाके सीधा फर्स्ट बॉम्ब एटम बॉम्ब, और उसका रिएक्शन क्या हुआ, न्यूक्लियर वेपन एटम बॉम्ब डाल के आज भी उनका इतना मतलब रिएक्शन आज भी है। वन स्मॉल मिस्टेक, एक छोटा सा मिस्टेक, कितने लोगों को भुगतना पड़ रहा है इसके। कभी कभी हम सोचते हैं हाँ क्या हुआ, दैट्स व्हाई जैसे बहुत सारे लोग अभी आजकल थीम है सेव द सॉइल सेव द अर्थ, ये अर्थ को बचाओ। रियली उसका मतलब क्या है, मींस यू शुड बी कॉन्शियस आप क्या कर क्या रहे हो, आप कार्य करने से कितने लोगों को भुगतना पड़ रहा है वो सोच रहे हो। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट ऑफ योर्स। अब वो देखो इट्स माई लाइफ, मैं कुछ भी करूं, ठीक है, यू आर रेस्पॉन्सिबल। कमिंग जनरेशन सफर होगा बिकॉज आपकी वजह से, आप उसका उत्तरदायक हो। इसलिए मनुष्य जीवन में उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हमारा लाइफ में तो कुछ भी नहीं कर सकती, यू आर रेस्पॉन्सिबल, उसका रिएक्शन है, आप देखिए या ना देखो देयर इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए एक मनुष्य जीवन हो कि यू कैन नॉट डिग्नोज लाइक, एक व्यक्ति को फ्लाइट दिया गया और वो फ्लाइट निकाल के रस्ते पर चला है तो क्या होगा, यू मीन इट्स नॉट एट ऑल। ह्यूमन लाइफ मीन्स यू आर सपोज टू यूज इट इन अ वेरी कॉन्शियस वे। यहां से शुरुआत हो जाता है, एक छोटा सा है शक्ति भगवान को कवर किया था दिखा दे। जब परीक्षित महाराज को पता चलता है that I have got a curse, he was the happiest man. इसलिए प्रभुपद बताते ये हमें चाहिए। When you come to know, जब पता चलता है अभी तुम्हारे पास 7 ही दिन है, he was waiting for this moment, ये अवसर की ओर राह देख रहे थे, he was waiting for this moment, that कृष्णा give me the chance। इसलिए अंति नारायण स्मृति, परीक्षित महाराज was waiting for this chance, वो इसके लिए राह, उनको जब पता चलता है कि मुझे एक ब्राह्मण पुत्र ने शाप दिया था, प्रभुपाद बोलते थे उनके पास उतना शक्ति था और शाप को विषाप करने के लिए, ई हैड द पावर। विश्वनाथ चक्र का परीक्षित महाराज हैड द पावर टू काउंटर है, तूने मेरे को शाप दिया अभी मैं तेरे को शाप देता हूं, बट ही डिडंट यूज इट बिकॉज अ प्योर डिवोटी डजंट वांट टू यूज इट। ये तात्कालिक है, उसने मेरे को ऐसा किया अभी मैं तेरे को बताता हूं, दिस इज नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक डिजायर, मेटेरियलिस्टिक मेंटालिटी। उसने मेरा ऐसा कहा घर उछाड़ा था अभी मैं उसका घर उछाड़ के निकला, उसने मेरे को ऐसा किया था मैं उसको बता रहा, दिस इज स्टुपिडिटी। अ डिवोटी कंसीडर्स इज अ मर्सी ऑफ द गॉड, उसको भगवान का वो समझता है कि असीम कृपा है, और परीक्षित महाराज तुझे दिस लॉर्ड वांट्स। इसलिए आज परपट में प्रॉपर एक बहुत अच्छा वर्ड, देखिए भक्ति निधान परपट में बहुत ही प्रॉपर आचार्य का क्या शब्द है, यहाँ पे क्लियरली प्रॉपर बताते हैं, he knew that Narayan had saved him when he was burned in the womb of his mother, and if he were to be killed by a snake bite, it would also take place by the will of the Lord. जो हमारे जीवन में हो रहा है ये भगवान की इच्छा है, it is because of the will of the Lord. आज मेरे जीवन में जो तकलीफ आ रहा है it is because of the will of the Lord, उसके वजह से मेरा जीवन में तकलीफ, no, it is the will of the Lord, उसके वजह से मेरा आज शरीर में रोग, नो इट इज द विल ऑफ द लॉर्ड, उनकी भगवान की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है ये मेरे जीवन में होना चाहिए, दिस इज व्हाट अ प्योर डिवोटी थिंक्स, ये भगवान की इच्छा है, ये अंत नारायण स्मृति कंटिन्यूअसली मैंने, दिस इज द विल ऑफ द लॉर्ड। इसलिए ये टेस्ट है, ये लिटमस टेस्ट है, जब जीवन में जब तकलीफ आता है
वही मूड है क्या? भगवान यही चेक कर रहे हैं रोज सभी चीज बराबर होने का कर दे। जाप करना बहुत इजी है, डीडी वर्शिप करना इजी है, भागवत होना चाहिए, पर जब जीवन में तकलीफ आ जाता है वही मूड है क्या, या उससे भी ज्यादा शरणागति आ जाते क्या? दैट इज द टेस्ट ऑफ प्योर डिवोटी। हमारा भक्ति का हम बैरोमीटर कैसा चेक कर सकते हैं? जब जीवन में छोटा सा तकलीफ है, कभी हम अरे यार ये क्या हो, सो बाजार से भाग गए, पहले मेरे को सॉल्व कर दे, बी प्रैक्टिकल मैन, यू शुड बी प्रैक्टिकल, पहले सॉल्व, नो प्रैक्टिकल, फर्स्ट टेक शरणागति, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट। लोग यार प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मींस डू यू रिमेंबर कृष्णा, वो प्रैक्टिकलिटी, ये टेस्ट था हमारी जिंदगी में। अकस्मात भगवान टेस्ट नहीं दे, छोटा छोटा पेपर, यूनिट टेस्ट पेपर देते रहते, फाइनल एग्जाम तुरंत नहीं आते, छोटा सा इसमें कैसा था और उसमें क्या सीखा है, ठीक है एक बार फेल हुआ बट यू शुड से अरे मैंने भगवान का नाम ही नहीं लिया। कभी कभी हो जाता है, कभी इंसिडेंट हो जाता है, और मैं सीढ़ी से गिर रहा था पर प्रभु जी मेरे भगवान का नाम ही नहीं आया। कभी एक बार कभी शौक लग कभी हमारा पश्चात आई डिड कॉल कृष्णा। अगर एक छोटा सा शौक में मैं भगवान को नहीं, तो अंतिम समय में भगवान को कैसे पुकारूंगा? ये भगवान का टेस्ट था, कृष्णा कृष्णा वो शब्द है शांति नारायण स्मृति, ये भगवान टेस्ट देना चाहते हैं, व्हाट इज द शरणागति, और टेस्ट आना ही है इधर आपके जीवन में, किसके मेरे जीवन में, कृष्णा टेस्ट देना ही चाहते हैं। और परीक्षित महाराज के लाइफ में वो दिखा, देखो अभी देखो लिटमस टेस्ट, when the news reach परीक्षित महाराज, महाराज you are going to die in 7 days, आप 7 दिन में आपका मृत्यु होना, is it so? या सच मुझे मुझे कुछ खबरी दे रहे हो? I am waiting for this day, ये litmus test, I am ready Krishna, I am ready। अगर हमें कोई दिए बोला जाएगा प्रभु जी आपको से 7 घंटा है, मेरा 7 घंटा ही है, मेरा मान लो आप 7 घंटे से 1 मिनट का 1 सेकंड भी नहीं बचने, अब ले आप रुक रुक प्लीज, मैं पहला मेरे पति पर उनको समझा के आ जाऊंगा, वी डोंट थिंक वी आर नॉट हैप्पी, वो शब्द अगर आ गया यस कृष्णा आई एम रेडी मैं तैयार हूं, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, कभी वो दिन आएगा। आपकी असीम कृपा है कि एटलीस्ट आप उनके बोल के बता रहे हो कि तुम्हारा मृत्यु आ रहा है, ऐसा मृत्यु किसको आ सकता है भगवान, ये मेरा आपकी असीम कृपा है, ऐसा कौन बोल सकता है? वो ट्रेन्ड टू बिकम अ डिवोटी, वो कॉन्शियसली सरेंडर टू द लॉर्ड, वो वेरी कॉन्शियस, ये इसलिए इतना प्रयास करते ना, अभ्यास हो गई युक्त है ना, इसके लिए अंति नारायण स्मृति उतना ईजी नहीं है, अंति नारायण स्मृति उतनी ईजी नहीं है, और इस कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिसिंग, कैन आई रिमेंबर दिस टाइम दिस मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट मैं भाई मेरे बेटे में, कल दिस मोमेंट द बेस्ट मोमेंट, आज मुझे जाप करने का अवसर मिला, मुझे गारंटी है कि नेक्स्ट मोमेंट में रखा पड़ा, इसलिए लेट मी शाइन इन अ हेल्पलेस वे, क्या हम वो कर रहे हैं? देन जब वो समय आएगा यू आर वेल प्रिपेयर्ड, और ये जीवन में वो तो हुआ भी है, वन इज प्रिपेयर्ड कृष्णा टूटते मैंने, और हमें दिखाने के लिए उदाहरण भी है, उदाहरण भी है, बहुत सारे उदाहरण है। हमेशा में उनका एक पता था विश्वोत्तम पीड़ता, वो हमेशा बोलते थे अंति नारायण स्मृति उसी नहीं है, आप लोग का आशीर्वाद है। तो इवन प्रभुपाद जब उनसे पूछा गया, प्रभुपाद आपने इतना सब दिया मुझे, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, तो प्रभुपाद ने दो ही इंस्ट्रक्शन दिया, जस्ट कोऑपरेटिव, आप लोग कोऑपरेट रहो, और दूसरा है इसके एक्सचेंज में मुझे एक ही आप लोग से पूछता हूं, प्लीज हेल्प मी टू रिमेंबर कृष्णा एट द टाइम ऑफ माय डेथ, मुझे भगवान को याद करने के प्रयास करो, ये एक भक्त का इच्छा है, ही डजंट वांट एनीथिंग, मुझे मैं जब मेरा अंतिम समय अगर मैं अवसर मिला मुझे साथ भगवान का नाम चलाऊं, मुझे जाप करना, क्योंकि मेरी शरीर और मेरे पास उतना योग्यता नहीं है, पर आप लोग भक्त लोग मेरे आकार में या मेरे बाजू में जप करेंगे तभी क्या। हमारे गॉड ब्रदर शरद मोहन लोग जब वो शरीर त्याग करते ये उतना सुलभ नहीं है, हम चाहते तो भी नहीं होगा, कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है कि जब हम मृत्यु मरते वक्त कोई हमारे बाजू में नहीं रहता है, वो उनकी सिंसियरिटी के ऊपर भगवान अरेंज करते हैं। जब शरद मोहन लोग अपने शरीर त्याग रहे थे तो उनके दोनों पुत्र बेटी और बेटे बाजू में बैठ के दिमाग छाती तो बोली नहीं तो लॉर्ड, ये सिर्फ महाजनों को ऐसा मृत्यु मिलता है, इट इज नॉट इजी, उतना सुलभ नहीं है, आप चाहते भी नहीं मिलेगा ऐसा अवसर,
इसलिए भगवान का स्मरण करना तेजी नहीं है। परीक्षित महाराज को जब ये न्यूज मिला ही वॉज हैप्पी, बहुत अच्छा। अभी ये समय के लिए मैं राह देख रहा था, अभी ये समय के लिए राह देख रहा था, मैं आई कैन रिमेम्बर कृष्णा एट द लास्ट मोमेंट ऑफ माय डे। मुझे ये अवसर का जरूरत था। और तभी उन्होंने क्या होना चाहिए, इसलिए बोलते ना व्हाट शुड बी द ड्यूटी ऑफ अ मैन हु इज अबाउट टू डाई, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ मैन हु इज अबाउट टू डाई। तभी वो जाके एक पूरा अपना राज्य कारभार हटा के एवरीथिंग रॉयल नॉट इन अ सिंगल सेकेंड, उनको सेकेंड नहीं लगा, पूरा राज कारभार उठा के सब हटा के जैसे बोलते ना एक मलमूत्र के जैसे उन्होंने त्याग के एक सिंपल एक सन्यासी का ड्रेस पहन के, इनमें बोलते कि इट्स जस्ट अ लॉइन क्लॉथ, दो पीस का कपड़ा पहन के और वहां से निकल गए। निकल के कहां जाते हैं, उनको पता है कि दर भगवान किसके हृदय में काम है, जाके भक्तों के साधु संतों के चरण में पकड़ दूंगा, क्योंकि उनको पता है आप लोग के साथ भगवान है। अभी आप बताइए What is the purpose of my life? सात दिन में मैं अभी मेरा शरीर त्यागने वाला हूं, अभी आप लोग बताइए मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, What should be the duty of a man who's about to die? ये होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए। परीक्षित महाराज का ये जो संकल्प था नाउ व्हाट शुड बी माय ड्यूटी, और जाके उन्होंने कहीं प्लान ही नहीं है, सब प्लान हो चुका है। द वर्ल्ड वर्क्स फॉर एवरीवन, ये सबसे बड़ा ये वो प्रिंसिपल है। हम लोग सोचे जब प्रॉपर हमेशा बता रहे 1947 में जब महात्मा गांधी जी को शूट किया गया तो सब लोग सोचे थे अभी भारत क्या होगा, नेशन क्या होने वाला है, कैसे दुनिया चलेगी। और दूसरा दिन सुबह सूरज उठ गया, द सन रोज द सनसेट, द बर्ड स्टार्टेड चर्पिंग, द एनिमल स्टार्टेड वर्किंग, द मदर स्टार्टेड फीडिंग, द ब्रेन स्टार्टेड वर्किंग। फूलिशनेस, ये हमारा भी मूर्खतना है, लोगों का भी मूर्खतना है। अगर वो चलेगा तो दुनिया कैसे चलेगा, जो दुनिया चलता है चलाने वाले से। द वर्ल्ड डजंट वेट फॉर एनीवन, ये दुनिया किसके लिए भी नहीं है। हरिदास ठाकुर को जब चैतन्य महाप्रभु पूछे हरिदास मैं कैसे रह सकता हूं, बोले भगवान मेरा चीटी अगर यहां पर मर गया तो पूरी दुनिया में कुछ फर्क होने वाला, कुछ फर्क नहीं होता भगवान, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं एक व्यक्ति मर गया तो भूल करे, बट मेरा मुझे फर्क पड़ेगा अगर मैं आपको याद नहीं किया। That makes a difference to me. The world works. ये situation जब आएगा, then you will become fearless. अब सोचते कि बच्चे, पति पत्नी, बच्चे मैं ही देखता हूँ ना। अगर मैं मर गया तो मेरे पति और पत्नी को और बच्चों को कौन देखेगा? The world works for anyone. श्रीधर स्वामी जब संन्यास ले रहे थे, तभी उनकी पत्नी जब गर्भ और जैसे ही उन्हें बच्चा जन्म दिया, उसी टाइम उसकी उनके पत्नी की मृत्यु हो गई। श्रीधर स्वामी उनको संन्यास लेना था, अरे अभी कौन देखेगा ये बच्चे को। और तभी उन्होंने देखा एक दीवार पे बोलते ना छिपकली, छिपकली जा रहे थे, छिपकली जाते जाते वो माता मां छिपकली वो एक छोटी सी छिपकली को जन्म दिया और वो नीचे गिर गए और वो मां चली गई। और ये छोटी चिपकली ढूंढते ढूंढते तुरंत उसको एक कुछ बोलते ना एक फ्लाई, वो फ्लाई मिल गया तुरंत खा ले। अरे अगर ऊपर वाला एक चिपकली को देख सकते तो मेरा मनुष्य जीवन का बच्चे को नहीं देख सकते। हम लोग हमारे ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। अगर भगवान जंगल में हाथियों को देख सकते तो मुझे से व्यक्ति को नहीं पालन कर सकते, हमारी मूर्खता इतना है। बोलते कनकदास बोलते हैं वो पहाड़ों में कोई जाके वृक्षों में पानी तो नहीं डालता है पर वृक्ष में फल आ जाता है, कौन करता है वो, भगवान ही करते हैं। मैं जाके गार्डनर जैसे मालिक जैसे उसको कोई जगह पानी कोई नहीं देता, भगवान ही देते हैं। ये हमारी मूर्खता है कि मुझे मेरे वजह से ये दुनिया चल रहा है, मेरे वजह से मैं चली जाऊंगा तो मुझे सेट करना चाहिए ना। नथिंग, नो सेटिंग, योर सेटिंग इज टू रिमेंबर कृष्णा, अंते नारायण स्मृति। मेरा सेटिंग मेरे को खुद करना चाहिए। इसलिए बोलते कि फ्लाइट जब खड़ा है तभी सब लोग है ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, जब फ्लाइट उड़ते वक्त आपको फ्लाइट आपका खुद का फ्लाइट उड़ाना पड़ता है। इतना इतना इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ऐसा ऐसा करना चाहिए ऐसा ऐसा करो, बाद में जब उड़ता है यू आर योरसेल्फ, कैसा आपका जीवन का कर्म था क्या।
ये परीक्षित महाराज का ट्रेनिंग है इमीडिएटली टू अंडरस्टैंड दैट नाउ इज द टाइम नाउ लेट मी गो एंड आस्क और वही परीक्षित महाराज जब सभी संत महापुरुष बैठे थे वहां पे आकर तुरंत जाके मुझे मेरा जीवन को उदाहरण कैसा व्हाट शुड बी माय व्हाट इज द ड्यूटी तो सभी लोग यूनानिमसली सब लोग बोलते सभी लोग देखिए उन्होंने ये नहीं बोला अरे ये करो परीक्षित आप ये यज्ञ करो ये पूजा करो ये हवन करो अभी वो पाप को विश्राम कर दो आप थोड़ा समय रुको ये सब छोड़ दो उन्होंने यूनानिमसली अपनी सेट आप कृष्ण कथा का श्रवण करो कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करो परीक्षित दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ ये हाईएस्ट है इसका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कृष्ण कथा का श्रवण दैट टाइम वन क्वेश्चन कम्स परीक्षित मन किससे सुनना चाहिए हु विल बी द स्पीकर विश्वामित्र वशिष्ठ अगस्त्य मुनि सभी लोग खड़े थे हु विल बी द स्पीकर आने वाला मंगलवार में वी स्पीक अबाउट दैट स्पीकर द एंट्रेंस ऑफ दैट स्पीकर सभी लोग एक ही दृश्य में दृष्टि में एक ही डायरेक्शन में देखने लगे और वो व्यक्ति जब होते ना पिक्चर में देखते ना कभी कभी द हीरो एंटर्स कुरुक्षेत्र में भी भगवान जब आप पढ़ते हो उस फर्स्ट चैप्टर में जब भगवान का क्लाइमैक्स है वो भी उसमें लिखा हुआ है व्हेन कृष्णा एंटर कुरुक्षेत्र उन्होंने फर्स्ट हीरो ने क्या किया एक डायरेक्शन से लेकर दूसरा डायरेक्शन तक उन्होंने दिया दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ अ हीरो सब लोग चाहते हैं नहीं हीरो बनना चाहते हैं एंट्रेंस मेरा एंट्री एकदम गवाए तो क्योंकि ये निकलता है वहां से एब्सोल्यूट इज वहां से ये सब हम लोग बना रहे हैं सब ये सभी लोग चाहते हैं कि मैं भगवान से मैं हीरो होना ये मेरा हीरोगिरी होना चाहिए स्टूपिड उसको कोई खाऊ नहीं रियल हीरो यहाँ पे है जब परीक्षित महाराज होते वो साधु संत महापुरुष आप लोग बताओ मैं किससे श्रवण करना चाहिए कभी एवरीवन सेज ये व्यक्ति से सुनना चाहिए और कौन व्यक्ति है नेक्स्ट आने वाला मंगलवार क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज हम श्रवण के बारे में अब कीर्तन और किससे सुनना चाहिए और वो व्यक्ति की योग्यता क्या होना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो व्यक्ति जो स्पीकिंग है उसका क्या योग्यता होना चाहिए ये आने वाला जब आएंगे हमें मिलेगा अवसर नेक्स्ट मंगलवार का नेक्स्ट मंगलवार जो भगवान चाहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे हरे कृष्ण।